हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में है आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज मंचूरियन, जिसे पत्ता गोभी मंचूरियन भी बोला जाता है। ये एक इंडो चाइनीज रेसिपी है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें लगेंगे वो पहले देख लेते हैं। ये हमने हाफ पत्ता गोभी लिया है, इसे हमने ग्रेट करके लिया है। छोटे साइज का प्याज, एक छोटे साइज की शिमला मिर्च, थोड़ी हमने धनिया पत्ती ली है, 3 टेबलस्पून हमने पीनट को क्रश करके लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 हमने हरी मिर्चें लंबे से कट करके ली है, ये 6 टेबलस्पून हमने ऑल पर्पज फ्लावर मैदा लिया है, 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक। ये अजीनोमोटो है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। कुछ सॉसेस हमें लगेंगे, जिसमें सोया सॉस हम लेंगे, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और विनीगर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं कैबेज मंचूरियन। आइए फ्रेंड्स, पहले हम ये रेड चिली पाउडर और नमक इसमें ऐड कर लेते हैं, साथ में ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून, और ये क्रश किए हुए पीनट है ये हम इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मैं 3 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसे मैं भी हाथ से मिक्स करती हूँ। कैबेज का जो पानी होता है उसमें ही इसका आटा लग जाएगा। नमक डालने से कैबेज को भी पानी छूटता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें और थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोग ऐड कर लेते हैं। 6 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज किया है। अभी हम इसके गोले बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इस तरह से इसके गोले बना लेंगे। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। इस तरह से मैं सभी गोले बना लेती हूँ, फिर हम इसे पैक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी कैबेज के ऐसे बॉल्स बना लिए हैं। आपको चाहिए तो आप छोटे साइज के भी बना सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम बाकी के बॉल्स इसमें डाल देंगे। कैबेज को पानी छूटता है इसलिए बाद में इसमें ये लूज हो जाते हैं बॉल, इसलिए इसे बना के तुरंत ही फ्राई करना है। जितने बैठते हैं उतने हम इसमें डालें। गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है क्योंकि बॉल हमारे अंदर तक पूरी तरह से फ्राई होने चाहिए। अभी हम इसे निकाल लेंगे, ये हमने पूरी तरह से नहीं फ्राई किए हैं, बाद में हम इसे वापस से फ्राई करेंगे। बाकी बच्चे आपको पसंद है तो ऐसा भी डाल सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर शेप में डालने की भी जरूरत नहीं है उसको। ये
इसे भी हमने इस तरह से फ्राई किया है जैसे पहले वाले बॉल हमने फ्राई किए थे, पूरा फ्राई नहीं किया है, इन्हें हमें फ्लैश फ्राई करना है वापस से। तो ये निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम हम बढ़ा लेते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी वापस से हम इन्हें डाल लेते हैं। सभी को डालेंगे अभी साथ में ही और अच्छे से फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। हमें इन्हें अभी क्रिस्पी करना है। गैस का फ्लेम बढ़ा ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको अच्छा कलर आ चुका है, ये क्रिस्पी बने रहे इसलिए हम इसे ऐसे गाली पे निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बॉल कितने अच्छे बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक वो कैसे पका है। ये देखिए पूरी तरह से वो फ्राई हो चुका है। अभी हम इसका सॉस बना लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल लेते हैं, जिसमें हमने फ्राई किया था वही ऑयल हमने लिया है। अभी ऑयल हमारा गर्म ही है इसलिए इसमें हम अभी जिंजर और गार्लिक डाल देते हैं। जिंजर गार्लिक को भूनने के बाद ये हम हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। ये 2-3 मिनट हमने इस तरह फ्राई कर लिया है। अभी बाकी की चीजें इसमें ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है, सब्जी का नमक है, और ये रेड चिली पाउडर लिया है थोड़ा सा। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और सॉसेज ऐड करेंगे इसमें। सभी सॉसेज हम 1-1 टीस्पून लेंगे। ये सोया सॉस लिया है मैंने 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून और विनेगर लेंगे 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा हम अजीनोमोटो इसमें डालेंगे और पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 ग्लास हम पानी डाल देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके इसका स्लरी बना लेंगे। ये स्लरी हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे। मैं पहले 2-3 टीस्पून डाल लेती हूँ। देखिए इतने ही काफी है। हमारे सॉस को बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये जो हमने सॉस बनाया है वो बॉल्स में एब्सॉर्ब हो जाए। धनिया पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे।
हमारे मंचूरियन बन चुके हैं, अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कैबेज मंचूरियन बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।